आज हम हाइड्रोलिक रैम के बारे में देखेंगे, जो क्या करता है कि जो नेचुरल स्रोत के जो वाटर होते हैं, जो झरना है वहाँ से जैसे पानी गिर रहा है नीचे, तो वो इकट्ठा हो रहा है, तो वो पानी जो झरने से गिर रहा है उसको किसी दूसरी ज़्यादा हाई ऊंचाई पे जो है लेके जाना उस पानी को, तो वहाँ पर जो है हाइड्रोलिक रैम का इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर पंप का यूज हम नहीं करते हैं, पंप का यूज नॉट यूज्ड पंप, नो यूज ऑफ, इसमें पंप का हम कोई यूज नहीं करते हैं। तो इसमें इस्तेमाल किस तरीके से, क्या चीज हम इस्तेमाल करते हैं जिससे ये पानी जो है लो लेवल से और हाई लेवल तक पहुंच जाता है, तो इसमें जो पानी जो झरने से गिर रहा है उसकी जो गतिज दाब है, यानी कि डायनामिक प्रेशर, डायनामिक प्रेशर का यूज करते हैं। और दूसरा एक चीज डायनामिक प्रेशर जो पानी जो गिर रहा है झरने से उसका इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा इसमें क्या चीज लेते हैं, दूसरा इसमें इस्तेमाल होता है जो हैमर, वाटर हैमर जो प्रिंसिपल है, वाटर हैमर प्रिंसिपल, ये दोनों चीजें जो है रैम के ऑपरेशन में इस्तेमाल होती हैं। अब हम इसको इस फिगर में देखें तो फिगर में इसी तरह से कुछ अरेंजमेंट रहता है हाइड्रोलिक रैम का। तो इसमें ये क्या है, जल स्रोत है, ये जल स्रोत है, यहां से ये सप्लाई पाइप है, ये पाइप जो है सप्लाई पाइप जो एक वाल्व बॉक्स से जुड़ा हुआ रहता है। इसको वाल्व बॉक्स नाम इसलिए दिया क्योंकि इसमें इसके एंट्री एग्जिट पे यहीं पर ही जो है वाल्व कई सारे लगे रहते हैं, तो हर एक वाल्व का अलग अलग फंक्शन है। ये है वाल्व बॉक्स, इसके एंट्री पर एक वाल्व लगा होता है, ये सप्लाई वाल्व, ये वाल्व जो है सप्लाई वाल्व एस बोल देते हैं इसको, ये और ये जो एक वाल्व लगा रहता है इसको बोल देते हैं वेस्ट वाल्व, वेस्ट वाल्व डब्ल्यू, और ये वाल्व जो है इसको कहते हैं, इस वाल्व को हम अगर लें तो इसको कहते हैं डिलीवरी वाल्व, मतलब निर्गत वाल्व डी। यहां पर एक वाल्व और लगा हुआ है, इस वाल्व को कहते हैं, ये यहां पर लगा के रखते हैं एनआरवी, नॉन रिटर्न वाल्व, एक तरफा वाल्व, एक तरफा वाल्व, ये एनआरवी एक तरफा वाल्व होता है। एनआरवी में क्या होता है कि वाटर का फ्लो केवल इसी डायरेक्शन से ही हो सकता है, वापस बैकवर्ड जो है इसका डायरेक्शन फ्लो नहीं होगा। ये वाल्व बॉक्स जो है, वाल्व बॉक्स के ऊपर एक एयर वेसल लगा देते हैं, ये एयर वेसल रहता है, एयर वेसल मतलब कि इसके अंदर एयर भरी होती है, वायु पात्र, इसके अंदर एयर रहती है जो नॉर्मल प्रेशर पर रहता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। इसको यहां से जो जल स्रोत है, इस जल स्रोत से हमें ये जो इतना अरेंजमेंट है
ये अरेंजमेंट, इस अरेंजमेंट के थ्रू हमें जो है ये जो क्वार्टर है इसको हमें किसी हाई जो ऊंचाई पर हमें टैंक रखा है उसके अंदर हमें पानी पहुंचाना है। ये है विसर्जन टैंक या इसको कह लो डिस्चार्ज टैंक। तो इस तरह का अरेंजमेंट रहता है। इसमें ये हेड हो गया जो सप्लाई का हेड है, जो इस वाल्व पर जो यहां के यहां पर जो सिस्टम है यहां तक का जो इसका हेड है, ये यहां से ये टोटल जो ऊपर जो जल का लेवल है, लेवल से ये कैपिटल एच, और यहां से जो निर्गत से हो रहा है, निर्गत से और यहां का जो सेंटर डिस्टेंस, ये जो है डिलीवरी हेड, ये सप्लाई हेड और ये डिलीवरी हेड। इसमें सप्लाई हो रहा है जो यहां पानी आ रहा है, पानी का अमाउंट जो है जा रहा है वो स्मॉल क्यू, और यहां से जो सप्लाई हो रहा है ये कैपिटल क्यू। यहां से जो पानी इस वाल्व बॉक्स के अंदर आ रहा है वो कैपिटल क्यू, वाल्व बॉक्स से जो जा रहा है वाल्व बॉक्स और एयर वेसल से वो स्मॉल क्यू, यहां से डिस्चार्ज हो रहा है, यहां से डिस्चार्ज हो रहा है स्मॉल क्यू। तो इसको अब हम समझेंगे, इसका वर्किंग प्रिंसिपल कैसे, इसमें हम जो गतिज दाब है और वाटर हैमर प्रिंसिपल ये कहां पर काम करता है। तो जैसे ही हम इस वाल्व को, जो सप्लाई वाल्व है इसमें पानी भरा हुआ है, जैसे ही सप्लाई वाल्व को खोलते हैं तो इसकी जो गति है, जो गति जो प्रेशर है, प्रेशर के चलते जो है ये वाटर इस वाल्व बॉक्स में भरना शुरू कर देता है। वाल्व बॉक्स में ये धीरे धीरे भरना शुरू होता है। इनिशियली जो ये निर्गत वाल्व है ये बंद रहता है, ये क्लोज्ड रहता है, और ये जो वेस्ट वाल्व है ये अपने वेट के चलते जो है ये खुला हुआ रहता है। तो यहां से जैसे ये पानी भरना शुरू करता है तो यहां से वेस्ट वाल्व से धीरे 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 पानी बाहर निकलने लगता है। जैसे ये निकलने लगता है हम इसका प्रेशर, इस वाल्व को हम जो है और जो है बढ़ा देते हैं। जैसे हम पूरा फुल प्रेशर, फुल गति प्रेशर से आता है, तो गति के जब प्रेशर होता है तो प्रेशर की ज्यादा प्रेशर बढ़ जाता है जब इसके अंदर, जब ये गति दाब जो है डायनेमिक प्रेशर इस वाल्व बॉक्स के अंदर बढ़ गया, जैसे जितना हम वाल्व इसको तेज और ज्यादा ओपन कर देंगे तो यहां से जो है प्रेशर जैसे बढ़ता है तो ये वेस्ट वाल्व क्या है ये ऊपर की तरफ मूव करता है प्रेशर की वजह से, और ये वाल्व बंद हो जाता है। ये वाल्व बंद होने की वजह से, जैसे ये वाल्व बंद होता है तो चूंकि ये निर्गत वाल्व भी पहले से ही बंद है तो यहां से पानी आ रहा होता है, तो उसकी वजह से जो है यहां पर जो है इस पूरे पाइपलाइन और ये वाल्व में वाटर हैमरिंग जो है स्टार्ट होता है। वाटर हैमरिंग क्या है, इसके अंदर अचानक से जो है प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो बहुत ज्यादा जब बढ़ता है प्रेशर, तो प्रेशर बढ़ने से ये जो निर्गत वाल्व है ये उस प्रेशर की वजह से, जो वाटर हैमरिंग की वजह से ये वाल्व ऑपरेट होता है, ये वाल्व खुल जाता है, और ये वाल्व खुलते ही जो इसमें से पानी है वो एयर वेसल में धीरे 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 बढ़ता है। तो जैसे जैसे वाटर बढ़ता है वैसे वैसे यहां पे एयर क्या है, कहीं और से इसमें निकलने का रास्ता नहीं एयर के लिए, तो एयर यहां पे कंप्रेस होती है और एयर का प्रेशर बढ़ जाता है, एयर प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है और पानी इसके अंदर धीरे धीरे जा रहा होता है। और ये जाता कब तक है, जब तक कि जो है इसके अंदर जो मोमेंटम है इस पानी का, ये पानी का जो मोमेंटम है वो जब तक समाप्त नहीं हो जाता है। जब वो शून्य हो जाता है इसका मोमेंटम, तब ये वाल्व जो है, जो निर्गत वाल्व है ये बंद हो जाता है, और यहां पर जो एयर प्रेशर है, जो यहां संपीड़ित जो वायु जो संपीड़ित हो गई उसके प्रेशर की वजह से ये वाटर इस एनआरबी पर इतना प्रेशर डलता है और ये एनआरबी ओपन हो जाता है, जिससे ये वाटर इस जो डिस्चार्ज पाइप है, जो डिस्चार्ज पाइप से होते हुए और डिस्चार्ज टैंक में पानी आने लगता है। तो ये इतनी जो प्रोसेस है इसमें कुछ सेकंड का ही केवल फर्क रहता है,
तो उसमें जो है क्या होता है कि इसके जब एक बार इसको ऑपरेट कर देते हैं, ओपन कर देते हैं, फुल जब एक बार शुरू हो जाता है ऑपरेशन, तो उसके बाद ये कुछ सेकंड के अंतराल पे ये खुलना बंद होना ये होता रहता है, जिससे जो है पानी जो है यहाँ से डिस्चार्ज होता रहता है डिस्चार्ज टैंक में लगातार। तो इस प्रकार से जो है ये डिस्चार्ज रहता है। जब हमें इसको इस सिस्टम को हमें बंद करना होता है, हमें यहाँ पे पानी नहीं देना होता है, तब हम ये जो सप्लाई वाल्व है, इस सप्लाई वाल्व को हम क्लोज कर देते हैं और इस प्रकार से ये जो हाइड्रोलिक रैम का जो हम यंत्र है ये बंद हो जाता है और यहाँ पे पानी का डिस्चार्ज बंद हो जाता है।